क्या आपने सोचा है कि आने वाले कुछ साल धरती और मनुष्य जीवन के लिए कैसे होंगे? क्या आपने सोचा है कि 1000 साल बाद धरती का क्या होगा? अगर आपके भी मन में ऐसे ही सवाल हैं, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं इसके जवाब। जितना तेजी से हम टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से हमारे आसपास का वातावरण बदल रहा है। 1000 साल में हम तेजी से बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इसे देखकर यह कहा जा सकता है कि हम अपनी उम्र बढ़ाने के कई तरीके भी जल्द खोज लेंगे। मेडिकल इंजीनियर ऐसी खोज कर सकते हैं जो हमारे शरीर की उम्र बढ़ाने वाले टिश्यूज को कंट्रोल कर सकेगी। इससे इंसान की उम्र बढ़ जाएगी। कुछ समय पहले कैलिफोर्निया के शॉक इंस्टीट्यूट ने रिसर्च के जरिए बताया कि अब इंसान को बूढ़ा होने से रोका जा सकेगा। हो सकता है उम्र बढ़े, लेकिन उम्र के निशान नजर नहीं आएंगे। हालांकि ये प्रयोग बेहद शुरुआती दौर में है। वैज्ञानिकों की माने तो ये इंतजार लंबा खिंच सकता है, लेकिन इतना तय है कि अगर प्रयोग सफल हुआ तो ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज साबित होगी। ऑक्सफर्ड और येल यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक आने वाले समय में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस वाले रोबोट्स बड़ी गाड़ियां चलाने से लेकर बड़ी बड़ी सर्जरियां तक करने में भी सक्षम होंगे। शोधकर्ताओं के मुताबिक अगले 50 सालों के अंदर आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस और भी कई काम अपने जिम्मे में लेंगे। ये रिसर्च 352 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक्सपर्ट्स की राय पर आधारित है। इसके अलावा लोगों ने अपनी ये भी राय दी कि भविष्य में हम ऐसे ही बदलाव और किन क्षेत्रों में देखेंगे। भविष्य की दुनिया मशीनों की दुनिया होगी। उस वक्त मशीनें हमारे साथ रहते हुए हमारा ज्यादातर काम करें। भविष्य में इंसान का हुलिया भी पूरी तरह से बदल जाएगा। वातावरण की वजह से उसका सिर चौड़ा और आंखें बड़ी हो जाएगी। 1000 साल बाद धरती पर रहने की जगह लगभग खत्म हो चुकी होगी। धरती के प्राकृतिक संसाधन भी खत्म हो चुके होंगे। 1000 साल बाद हमारे शरीर में नैनो रोबोट्स काम कर रहे होंगे। ये हमारे शरीर को जानलेवा बीमारियों से बचाने में सहायक साबित होंगे। धरती पर रहने की जगह खत्म हो जाने के बाद इंसान को मंगल या किसी दूसरे ग्रह पर रहने के लिए जाना पड़ेगा। मौजूदा वक्त में प्रदूषण एक सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन भविष्य में नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से इससे आसानी से निपटा जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से पानी और हवा को शुद्ध किया जा सकेगा। उस वक्त तक इंसान ट्रांसपोर्टेशन को भी काफी विकसित कर लेगा। इसकी मदद से एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जाना भी संभव हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा दादी की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आज ही हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए तथा कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करिए। और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।